श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज BA LLB, BSc एग्रीकल्चर, B.Pharma, D.Pharma, B.Ed, D.L.Ed, M.A, M.Sc, M.Com, B.A, B.Sc, B.Com, B.B.A, B.C.A, M.C.A, M.B.A, M.S.W. Affiliated to Bundelkhand University, पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के किसानों की हालत खराब है और प्रदेश की सरकार कोनो ध्यान नहीं दे रही। बृजेंद्र सिंह राठौर ने मोहनगढ़ में कही कि प्रदेश में किसानों की फसल को खासा नुकसान भाव है और अब तक मुआवजा की कोनो प्रक्रिया शुरू नहीं भई। देखिए, पृथ्वीपुर और मोहनगढ़ तहसील का प्रश्न जैसे आपने उठाया है, निश्चित रूप से यहाँ तक जो है फसलें साफ हो गई। सूखा पहले पड़ा था तब फसलें साफ हुई, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। अभी जो है वो पानी नहीं बरसा जिसकी वजह से फसलें साफ हो गई, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला। बिजली के बिल जो है जहाँ 100 रुपये में 100 यूनिट हम दे रहे थे, आज हमारे रैकवाल समाज की कुछ महिलाएं आई थी, 60-60 हज़ार रुपये का बिल लिए घूम रही। तो मतलब चारों तरफ लूट मची हुई है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। विधानसभा में पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को हम उठा ही रहे हैं और केवल पृथ्वीपुर विधानसभा का नहीं उठा रहे हैं, हम तो टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिला और बुंदेलखंड के जहाँ जहाँ सूखा पड़ा है पूरी जगह की बात को हम उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है कि ये कान में रुई डाल के सरकार बैठी हुई है और ये संयोग ही है कि पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही मुख्यमंत्री थी, तब भी सूखा पड़ा था और बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई, अच्छी एक साल बारिश हुई थी, लोग खुशहाल हुए थे और दोबारा जैसे ये आए और दोबारा सूखा पड़ा, तो भगवान भी देख रहा है कि अगर तुम जनता के साथ अन्याय कर रहे हो तो भगवान भी उनके साथ नहीं चल रहा है। और आने वाले 2 महीने के अंदर आप देखना सारी परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी इस जांच भी कराएंगे और जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको मदद करने का पूरा काम भी करेंगे। हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टीकमगढ़ के संक्षिप्त दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बीच भीड़ भाड़ को लेकर भी बृजेंद्र सिंह राठौर बोले कि सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल पालन नहीं करेगा और नेतागिरी के चक्कर में जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, केवल टीकमगढ़ का सवाल नहीं है, चाहे बड़ा मलहरा की मीटिंग हो, चाहे मुगावली की हो, चाहे मुरैना की हो, चाहे ग्वालियर के कार्यक्रम, मजाक बना रखा है पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने और उनके सभी साथियों ने। आम आदमी से कहते हैं कि नियमों का पालन करो, खुद नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और आज जो मध्य प्रदेश में कोरोना फैल रहा है या जो लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए अगर मुख्य रूप से कोई जवाबदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जवाबदार हैं जो मजाक जनता का बना रहे हैं और खुद कुछ भी जो मर लिया है वो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या लगातार बढ़ रही हैं और यही को लेकर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो रही। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।